किसी ने क्या खूब लिखा था अभी कि मास्क लगाना तो एक बहाना है, लेकिन हम लोग इतने गिर चुके हैं, इतनी बुरी तरह से हमने इंसानियत को खत्म कर दिया है कि हमें अपना मुंह छुपाने की जरूरत महसूस होने लगी है। इसी तरह देखिए आप लोग की वायु प्रदूषण हो, फिर आपका जल प्रदूषण हो, या कोई भी आपका मिट्टी प्रदूषण, या कहीं भी कोई पर्यावरण प्रदूषण का कोई भी हिस्सा हो, आप सोचिए कि हमें आयोग बनाने की जरूरत महसूस होने लगी है, आयोग बनाने पड़ रहे हैं। ये हमारी ही देन है एक तरह से आपकी, कि वायु प्रदूषण की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप जल प्रदूषण की बात कर लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो हमारा ही योगदान है। तो देख लेते हैं, अभी हाल ही में आपने देखा है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक आयोग गठित करने की बात की है। ठीक है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और उसके इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग गठित करने हेतु एक अध्यादेश अधिसूचित किया है। याद रखिए आर्टिकल 123 के तहत आपके राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं कि अध्यादेश जारी कर देते हैं। इस अध्यादेश में वही शक्तियां होती हैं जो अधिनियम के बराबर ही, लेकिन इसमें यह रहता है कि आगे चल के आपको दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाना होता है और एक तरह से अधिनियम बन जाता है वो, लेकिन इसमें वही उतना ही ताकतवर होता है जितना एक अधिनियम होता है। ठीक है, एक तरह से इसलिए जरूरी है, एक तरह से पावर मिली हुई है राष्ट्रपति साहब को कि कभी कोई संसद का कोई सत्र चल नहीं रहा है उस समय जल्दी से जल्दी कोई इस तरह का अधिनियम चाहिए, तो इस तरह की व्यवस्था की जाती है। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने किसानों के अध्यादेश देखे हैं जिस पर भारी विवाद भी हुआ था। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण तथा इस विषय से संबंधित अन्य सभी समितियों को विघटित कर दिया गया है। इन पूर्व की समितियों को विघटित करने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सभी सुव्यवस्थित प्रयास करना और जनभागीदारी को कारगर बनाना है। कारण की बात करें तो दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण सबसे प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है, और आप भी तो सुनते रहते हैं कि दिल्ली में सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, सांस लेना भी एक तरह से वहां इतना मुसीबत बन चुका है। यही कारण है कि वायु प्रदूषण के कारण जैसे पराली जलाना, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण, शहरी विनिर्माण संबंधी प्रदूषण आदि की निगरानी, उनसे निपटने और समाप्त करने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाना और उसे लागू करना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। आप देखेंगे, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में आप देखेंगे दिल्ली और मुंबई कुछ हमारे ऐसे शहर हैं जो टॉप पर चल रहे हैं, लगभग टॉप श्रेणी में एक तरह से शामिल है। आप समझिए कि पराली जलाने का मतलब है कि आपकी जो फसल कटती है उसके बाद जो ठूंठे बचते हैं उसे आप लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। इससे आपके 2 से 3 नुकसान होते हैं, समझिए। एक तो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता गिरती है और आपकी उत्पादन क्षमता क्या होती है, लो हो जाती है, यानी कि वो भी गिरती है, क्योंकि आप देखते हैं कि मिट्टी में इस तरह के कोई कच्चे जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे केंचुआ को ही ले लीजिए, इसे आप लोग किसान का मित्र कहते हैं। इस तरह के जो भी आपके कीटाणु होते हैं, केंचुए होते हैं, वो सभी मर जाते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है वो गिर जाती है। ठीक है, एक ऐसा हो सकता है कि जब आपकी फसल कटती है और ठूंठे बचे हुए हैं तो आप किसी कई तरह की मशीनें आने लगी हैं कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगी और उसके बाद जुताई कर दीजिए, जैसे ही पहला पानी गिरेगा तो वो एक खाद में बदल जाएगा, खाद में बदल जाएगा तो देसी खाद की तरह काम करेगा, और इससे क्या होगा कि आपकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, और आप सोचिए कई तरह से आप फायदे में भी रहेंगे, एक वायु प्रदूषण से भी आप लोग बच सकते हैं। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण भी देखते रहते हैं आप लोग, आजकल इतनी गाड़ी हो गई कि रोड पर चलना एक तरह से दुश्वार हो चुका है, दिल्ली में तो और भारी मात्रा में आप देखते होंगे गाड़ियों की। ठीक है, अब तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की निगरानी और प्रबंधन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण जैसे अलग अलग निकायों द्वारा किया जा रहा था। इसके कारण प्रदूषण से निपटने का कार्य और भी चुनौतीपूर्ण तथा अव्यवस्थित हो गया था। ऐसे में लंबे समय से ऐसे निकाय के गठन पर विचार किया जा रहा था जो इस पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सके। हालिया अध्यादेश में वायु प्रदूषण से संबंधित सभी निकायों को समेकित कर एक अतिव्यापी निकाय बनाने की परिकल्पना की गई है, जिससे वायु गुणवत्ता का प्रबंधन अधिक व्यापक और कुशल
और समयबद्ध तरीके से किया जा सकेगा। और आयोग की अगर संरचना की बात करें तो इससे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बन सकते हैं, या आप जब मेंस में लिख रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, तब भी इन पॉइंटों को आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं वहां। सात सदस्यों वाले पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण के विपरीत सरकार द्वारा गठित नए आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष समेत कुल 18 सदस्य होंगे। कहने का मतलब एक अध्यक्ष होगा और 17 इसमें सदस्य होंगे, टोटल कितने होंगे 18। साथ ही इस आयोग में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के तौर पर एसोसिएट सदस्य तथा एक पूर्णकालिक सचिव को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो कि मुख्य समन्वय अधिकारी के तौर पर कार्य करेगा। याद रहे कि इस आयोग का अध्यक्ष या तो भारत सरकार में सचिव स्तर का अधिकारी होगा या फिर राज्य सरकार में मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी होगा, और इसका कार्यकाल आपका 3 साल का होगा। कितना? 3 साल का होगा, और कार्यकाल की समाप्ति के बाद उसे पुनः नियुक्त किया जा सकेगा, यानी कि दूसरी बार वो नियुक्त हो सकता है। केंद्रीय मामलों के प्रतिनिधियों के अलावा इस आयोग में 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, नीति आयोग, प्रदूषण विशेषज्ञ संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि निधियों को भी शामिल किया जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से आयोग आसानी से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर सकेगा, और तथा इन राज्यों में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी कर सकेगा। निकाय की संरचना को देखकर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार इस विषय से संबंधित विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है। आयोग की इस प्रकार की संरचना इस दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है कि दिल्ली और इसके उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन में स्टेबल बर्निंग यानी कि कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारें, और औद्योगिक उत्सर्जन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आदि अलग अलग हितधारक शामिल हैं आपके। आयोग की अगर उपसमितियों की बात करें हम लोग, आयोग की जो उपसमितियां होंगी तो सरकार द्वारा जारी यदि सूचना के अनुसार इस आयोग में 3 उपसमितियां होंगी। हालांकि आयोग अपनी इच्छा अनुसार अन्य समितियों का भी गठन कर सकता है। इसमें पहली होगी निगरानी और पहचान पर उपसमिति, दूसरी होगी सुरक्षा और प्रवर्तन पर उपसमिति, और तीसरी होगी अनुसंधान और विकास पर उपसमिति। अगर हम इसके कार्य और शक्तियों की बात करें अगर हम लोग, तो आयोग के पास दिल्ली और उसके इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने, इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने और आवश्यकता पड़ने पर शिकायत दर्ज करने की शक्ति होगी। किसके पास? आयोग के पास। यह आयोग राज्य सरकार और किसी सरकारी विभाग को भी आदेश जारी कर सकता है। यह आयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करेगा। यह वायु गुणवत्ता और प्रदूषकों के उत्सर्जन से संबंधित मानकों का भी निर्धारण करेगा आयोग। अध्यादेश के अनुसार वायु गुणवत्ता और प्रदूषण से संबंधित किसी भी मामले में किसी निकाय अथवा राज्य सरकार के साथ हितों के टकराव की स्थिति में इस आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश अथवा निर्देश को सर्वोपरि माना जाएगा। इस आयोग को वायु प्रदूषण से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने और दिल्ली तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में स्थापित किए किसी भी परिसर, संयंत्र, उपकरण और मशीनरी आदि का निरीक्षण करने का अधिकार है। साथ ही इस आयोग को किसी भी उद्योग को बंद करने, उसके निषेध या फिर विनियमन से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति भी आयोग के पास है। इसे किसी भी मामले का पर स्वतः संज्ञान लेने अथवा शिकायत के आधार पर मामले की जांच करने का भी अधिकार है। किसके पास? आयोग के पास। इसमें दंडात्मक प्रावधान यानी कि सजा की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था आयोग द्वारा जारी आदेश या तथा अथवा दिशा निर्देश का उल्लंघन करती है तो उसे दंड के तौर पर 5 वर्ष तक की जेल अथवा 1 करोड़ रुपए जुर्माना अथवा दोनों सजा की जा सकती है। कितना? 5 वर्ष तक की जेल भी हो सकती है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों, 5 वर्ष की जेल प्लस 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। यदि अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो उस कंपनी और नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी दोनों को दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वही यदि अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया जाए तो विभाग का प्रमुख प्रमुख तब तक दंड का उत्तरदायी होगा जब तक कि सिद्ध ना किया जाए कर दिया जाए कि नियमों का उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ है।
आलोचना क्यों हो रही है इसकी, उसे भी जान लेते हैं। कई जानकारों ने यह चिंता जाहिर की है कि आयोग में नौकरशाहों का बाहरी वर्चस्व है और इसमें वायु गुणवत्ता और वायु प्रदूषण से संबंधित विषय विशेषज्ञों की कमी देखी गई। और 18 सदस्यीय इस आयोग में गैर सरकारी संगठनों से केवल 3 सदस्यों को ही शामिल किया गया है और केवल 3 स्वतंत्र विषय विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रदूषण के विरुद्ध इस मुकाबले में थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और नागरिक भागीदारी का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को इस आयोग में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, यानी कि इन्हें भी शामिल नहीं किया गया है। वहीं समयबद्ध परिणाम के प्रति भी आयोग की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, तो ये इसकी आलोचनाएं हैं। तो इसके सदस्यों को भी याद रखना, इसकी संरचना को, इसके काम को भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन सकता है।